आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। कैबिनेट ने 1,78,000 जो वैकेंसी थी उसमें मुहर लगा दी है। अब इस मुहर लगाने के बाद आप सोच रहे हैं कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो आगे की जो प्रोसेस है वो यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जिलों से आरक्षण रोस्टर को क्लियर करवाएगी। जैसे ही आरक्षण रोस्टर क्लियर हो जाएगी उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी अनुशंसा के साथ डीपीएससी को भेजेगी पूरी रिक्तियों को, और डीपीएससी इस इन रिक्तियों के आधार पे अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं नोटिफिकेशन के, और जितनी जल्दी हो सकती है जिलों से एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुस्तैदी दिख रही है कि जल्दी ही रोस्टर क्लियर होकर आ जाएगी और उसके बाद डीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन भी हो जाएगी। ऐसे में मुझे अब लग रहा है कि मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हर सैटरडे मैं आपको पढ़ाऊंगा और मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, अब उसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि मैं जो रफ्तार देख रहा हूँ उसमें हम सोचते हैं कि आपकी भी पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा दे। और आज ही मैं इवनिंग में, चूंकि एसीएट हमने आपको बताया था, आज मेराइवल का पूरी डिटेल आप लोगों को जारी कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक खास बात जानने की जरूरत है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी या बीटीएससी का टीचर वाले की जो सिलेबस होगी वो हमेशा बीटीएससी द्वारा ही जारी की जाएगी, कोई तीसरी एजेंसी जारी नहीं करेगी। इतना तो तय है कि अब सिलेबस में जीएस तो होना ही होना है, बीटीएससी एग्जाम ले रही है और जीएस का एक लेवल भी होगा। ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको डीपली